हमारे देश में कानूनों को लेकर सदा ही माथापच्ची बनी रहती है। कई कानून जो कि इतने पुराने हैं कि आज की स्थिति को देखकर वो आपको हास्यास्पद ही लगेंगे। वैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं अपने देश में जिनको गैरकानूनी या अवैध घोषित करने के पीछे का लॉजिक समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। जैसे आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ कानून के बारे में जो वास्तव में काफ़ी हास्यास्पद है। जैसे 10 रुपये से ज़्यादा रुपये अगर हम गिरे हुए पाते हैं और उसको आधिकारिक सूत्रों को अगर हम सूचित नहीं करते हैं तो ये एक गैरकानूनी काम है। 1878 के ट्रेजर ट्रोव एक्ट के अनुसार किसी भी प्रकार का खजाना आप अगर पाते हैं और उसका मूल्य अगर 10 रुपये तक का है तो आप उसे रख सकते हैं, पर यदि उससे ज़्यादा मूल्यवान वह है तो आपको आधिकारिक सूत्रों को सूचित करना पड़ेगा। आपने किसी कारणवश सूचित नहीं किया या पैसे देखकर आपकी नीयत बदल गई तो ये कानून के खिलाफ है। नंबर 2, टिड्डों के हमले के वक्त ड्रम बजाकर सूचित ना करना होता है अवैध। ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चर पेस्ट्स एक्ट 1949 के अनुसार अगर खेतों में कीड़ों का हमला होता है तो आपको ड्रम बजाकर दूसरों को सूचित करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसे कानून के खिलाफ मानकर आप पर 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नंबर 3, बिना अनुमति के पतंग उड़ाना अवैध है। जी हाँ, 1934 के इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट के अनुसार प्लेन या हवा में किसी भी प्रकार की चीज़ उड़ाने के लिए संबंधित विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है। बचपन में हमने बहुत ही पतंग उड़ाई है, अब लगता है कोर्ट में सरेंडर करने जाना ही पड़ेगा। नंबर 4, 10 कपल्स एक साथ एक स्टेज पर नहीं नाच सकते। लाइसेंसिंग एंड कंट्रोलिंग प्लेस ऑफ अम्यूजमेंट 1960 के अनुसार ऐसा प्रावधान है कि अगर किसी कार्यक्रम में 10 जोड़े एक साथ एक स्टेज पर नाच रहे हैं तो इनके पास ये अधिकार है कि या तो वो जोड़ों की संख्या कम करवा दे या पूरा कार्यक्रम ही बंद करवा दे। नंबर 5, आत्महत्या करना गैर कानूनी है और सफल हो गए तो जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जी हाँ, आत्महत्या करना बिल्कुल अवैध है। अगर आप अपनी जान देने में सफल रहे तो आपको इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। आईपीसी के सेक्शन 309 के अनुसार इसे अवैध मानकर सजा का प्रावधान है। इसलिए AFSPA का विरोध करने वाली शर्मिला को हाउस अरेस्ट कर जबरदस्ती खाना खिलाया गया। नंबर 6, औरतों से रात में काम कराने वाली फैक्ट्रियां यहां गैर कानूनी हैं। क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 में एक ऐसा भी प्रावधान है कि महिलाओं से नाइट शिफ्ट में काम करवाना गैर कानूनी है, पर इस नियम को ताक पर रखकर BPO इंडस्ट्रीज चल रही है। नंबर 7, जिन फैक्ट्रीज में पीक दान न हो वो गैर कानूनी होगी। ये नियम सच में अजीब है। द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 के द्वारा ये नियम भी बताया गया है कि जिन फैक्ट्रीज में मजदूरों के थूकने की व्यवस्था ना हो वो फैक्ट्री गैर कानूनी मानी जाती है। इसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ वहाँ थूकने से बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने भारत के कुछ फनी कानूनों के बारे में डिस्कस किया और आपको शायद वीडियो अच्छी भी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।